आर्थराइटिस पे चलते हैं। आर्थराइटिस दो तरह का, रूमेटॉइड और ऑस्टियो। दोनों तरह की आर्थराइटिस में एक मेडिसिन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, चूना, जिसको आप कभी भी इस्तेमाल करिए। दूसरी मेडिसिन भी पहले बता दिया है लेकिन रिपीट कर रहा हूँ, मेथी का दाना बेस्ट मेडिसिन आर्थराइटिस के लिए, दोनों ही आर्थराइटिस के लिए, रूमेटॉइड है तो, ऑस्टियो है तो। लेने का तरीका बता चुका हूँ, एक छोटा चम्मच मेथी का दाना एक गिलास गर्म पानी में रात को डालना, सवेरे उठ के पानी सिप सिप पीना, दाना चबा के खाना, तो आर्थराइटिस के। और एक एक्स्ट्रा मेडिसिन अब मैं बताने जा रहा हूँ आर्थराइटिस के लिए, ऐसे आर्थराइटिक पेशेंट जो टोटली बेड रिडन हो गए, 40 साल से उनको तकलीफ है, कोई बोलेगा 30 साल से तकलीफ है, किसी को 20 साल से तकलीफ है, और ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो दो कदम भी ना चल सके, हाथ भी नहीं हिला सके, इतना दर्द उनको होता है, तो लेटे रहते हैं बेड पे, करवट भी नहीं बदल सकते। उस कंडीशन के लिए जिनको बहुत पुरानी अर्थराइटिस है, 20 साल 25 साल 15 साल, उनके लिए एक स्पेशल मेडिसिन है जो उसी के लिए काम आती है। वो एक पेड़ से बनती है, एक पेड़ होता है उसको हम कहते हैं हार सिंगार, पारिजात, संस्कृत में उसको पारिजात कहते हैं, हिंदी में हार सिंगार। उसमें सफेद रंग के फूल आते हैं और नारंगी रंग की डंडी, सफेद रंग का फूल छोटा होता है, नारंगी डंडी होती है, फूल में बहुत तेज खुशबू आती है, रात को ही फूल खिलते हैं, सुबह जब आप उठेंगे तो वो जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं, वो है परिजन, वो है हार सिंगार, है जी। रात की रानी अलग है, हार सिंगार अलग है, पारिजात कुछ ऐसे हो सकते हैं 2-4%, लेकिन ज्यादा गिर जाते हैं। और ध्यान ये रखिए कि रात को ही फूल खिलते हैं, खुशबू बहुत तेज होती है, दूर तक आती है, डंडी हमेशा उसकी नारंगी होती है, स्टेम पार्ट उसका ऑरेंज होता है और फूल जो है सफेद होता है। ये पेड़ है। अब चावल में क्यों डालते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम है। आप इसके पत्ते लीजिए, ये पेड़ के पत्ते, 6-7 पत्ते लेना है एक बार में, और उसको पीसना है, पत्ते को पत्थर पे पीस लीजिए, थोड़ा पानी डाल के, पीस गया तो एक गिलास पानी में वो मिला के, पीसा हुआ चटनी मिला के उसको बॉईल करना है पानी को, और इतना बॉईल करना है कि पानी आधा हो जाए, काढ़ा बन गया। अब ये जो काढ़ा बन गया है इसको ठंडा करके फिर पीना, और ये सवेरे ही पीना है, तो इसलिए रात को बना के रख दीजिए, सुबह उठकर इसको खाली पेट पी लीजिए और पिला दीजिए। जिनको भी पुराना जोड़ों का दर्द है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 15-25 साल हो गया, बहुत तकलीफ है, चल नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते, ये उन सब के लिए अमृत की तरह से काम करता है। हाँ वही है, 3 महीने लगातार दे दो, फिर ब्रेक कर देना, फिर और 3 महीने दे देना। मैंने इसमें देखा है कि ज्यादातर केस 1-1.5 महीने में ही ठीक हो जाते हैं, 3 महीने तक तो बहुत रेयर केस हैं जिनको लेना आपको बहुत अच्छा। तो अब आप ये दूसरों को बताइए। अच्छा, इसको आप अर्थराइटिस में यूज करिए, जॉइंट्स पेन में यूज करिए। इसका और एक यूज है जो थोड़ी देर पहले बात आ रही है, अगर आपको डेंगू हो गया, अब डेंगू में बुखार आता, उसके बाद शरीर टूटता, बुरी तरह से दर्द होता है, बुखार कई बार चला जाता लेकिन दर्द नहीं जाता, उसमें भी इसी को इस्तेमाल करें। हाँ, इसी तरीके से। बस इतना है कि डेंगू के केस में 15-20 दिन ही लेना पड़ेगा, अर्थराइटिस में 1.5-2 महीने तक लेना पड़ सकता है। अगर हाथ में दर्द नहीं होता, कटकट आवाज आती है, ये तो चूने से ही ठीक हो जाएगा, वहां तक जाने की जरूरत है। नीज में भी आवाज आती है ना जब, हाँ, तो ये तो चूने से ही ठीक हो जाएगा। जिनकी वैसे ही टांगे दुखती हैं, लाइक पेटियों का दर्द, सिर्फ चूना, सिर्फ। तो इसको फिर रिपीट कर देता हूँ, हार सिंगार का पेड़ है, उसको पहचानना है कि सफेद फूल, छोटे नारंगी रंडी, फूल की खुशबू बहुत है, रात को फूल खिलते हैं,
सवेरे जमीन पे गिरे हुए मिलते हैं। इसके पत्ते को भी पहचानना बहुत आसान है, इसके पत्ते को आप छुएंगे तो कांटे जैसे चुभते नहीं मिलेगा, कोई नहीं रखता, ये तो जहां पेड़ लगा है वहीं मिलेगा। तो आप इसको घर में लगा लो, ये जो नर्सरी वाले लोग हैं ना उनसे पौधा लिया और 2-4-5 रुपए का पौधा मिलता है, बिना पानी के होने वाला पौधा है, बहुत तेजी से बढ़ता है, 6 महीने में ही पूरा पेड़ हो जाता है लगाते, इसलिए लगाना बहुत आसान है, किसी भी मिट्टी में हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, इसलिए लगाने में प्रॉब्लम, तो लगा लो, नहीं तो ढूंढ लो पटियाला में, कहीं ना कहीं तो मिल जाए। ये गुरप्रीत भाई से पूछ लेना, ये बता दे। अब आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इसके फूल नहीं लेने हैं, पत्ते 6-7 पत्ते, चटनी बनानी है, चटनी बनाने से मतलब उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालना है, पत्ते पीस के चटनी बनानी है, 1 गिलास पानी में वो मिलाना है, पानी को इतना गर्म करना है कि आधा हो जाएगा, फिर उस पानी को ठंडा करके पीना है, ये है पूरा प्रोसीजर। हर दिन नया बनाना, हर दिन नया बनाना, हर दिन नया, रात को बना के रख देना, सवेरे उठ के पी लेना, दोबारा गर्म नहीं करना, एक बार जो बन गया रात को रख दिया, सवेरे पी। अब इसमें आप ये करेंगे कि फिल्टर करके पीना है क्या, बिना फिल्टर करके पिएंगे तो जल्दी परिणाम है, फिल्टर करके पिएंगे तो परिणाम आएगा लेकिन थोड़ा देर लगेगा। पेशेंट मेडिसिन ले रहे हैं और रोकने से, हाँ मेडिसिन रोक दीजिए, इसको दे दीजिए, 100% रिजल्ट है इसके, एक भी आज तक पेशेंट मुझे ये नहीं बोला कि मुझे इसका फायदा नहीं। हाँ ये एडिशनल है और एक्सक्लूसिव है, इसको लेने के बाद कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना चूना ना मेथी का दाना। डेंगू पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, और जितने तरह के आपको बीमारी आती है, बुखार जिसमें जोड़ों के दर्द आ जाते हैं, किसी भी तरह का बुखार जिसमें जोड़ों का दर्द आ जाए और जल्दी ठीक ना हो, उन सब में आप इसको यूज करें। नहीं 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 जी, ये इतनी स्ट्रॉन्ग दवा है कि ये अकेली ही ली जाती है।